कैसे हो भाइयों, सब राजी खुश ना भाई? तो चलो चलते हैं धरने पे। यार पता है ना आपको, अपना जो मेन काम है वो है मालपुरा का जिला बनाओ धरना। लड़ना तो पड़ेगा ना किसी न किसी को, हैं? हालांकि सभी लोग हैं लड़ाई में, ऐसा नहीं है कि कोई मैं अकेला लड़ रहा हूँ। पूरा मालपुरा की लड़ाई है, पूरा मालपुरा लड़ रहा है। चलो चलते हैं धरने पे। सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं और सरपंच साहब और मैं, हम हमारे काम पे आ गए। यही है भाई अपना काम, यही है हमारा रोजगार। हमारी मातृभूमि में बैठे हैं। ये लोग आ रखे हैं भाई मिलने मालपुरा के, इधर बद्री जी और ये कुछ जनप्रतिनिधि और ये हमारे सरपंच साहब और महावीर जी और अंकल पारिक अंकल। चल रहा है काम धनाधन। और ये जो कूलर ख़राब हो गया था तो कूलर को वापस टेंट वाले को देकर नया पंखा खरीद के लाए हैं, इसको लगा रहे हैं भाई, गर्मी है ना इसलिए। चलो भाई धरने से अब दूध रोड पे चलते हैं और आइसक्रीम खा के आते हैं गोलू के कैफे पर। ये देखो ये है दूध रोड का नज़ारा। इस टाइम पे भाई बहुत लोग घूमते हैं आजकल, और घूमना भी चाहिए, हेल्थ के लिए सही है भाई। मालपुरा में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं भाई, और अच्छी बात है, होना चाहिए यार। ये देखो इधर लड़के तैयारी करने वाले भाई। मालपुरा में देखो बढ़िया बढ़िया कैफे भी खुल गए। देखो इधर पहले कुछ नहीं था यार, इधर पहले कुछ नहीं था हमारे टाइम में, और ये आ गया गोलू का कैफे। आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, आइसक्रीम खाते हैं फिर चलते हैं घर पे। तो गई आइसक्रीम तो अपने बटरस्कॉच लिए, लेकिन बात पता की करते हैं। बात यूँ है कि धरना चल रहा है इतने दिन से, लेकिन मालपुरा का क्या हो रहा है कि भाई मालपुरा में एक चीज़ बहुत मतलब गलत हो रही है मालपुरा के लोगों के साथ में। वो चीज़ ये है कि मालपुरा के लोग जिसे चुनते हैं ना, या जो आने वाले नेता हैं भाई, वो मतलब उसका उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मालपुरा के धरने पे यार। बताओ मतलब जो बीजेपी और कांग्रेस से जो तैयारियां कर रहे हैं, वो लोग गांव-गांव जाके वोट मांगने में और अपना प्रचार करने में व्यस्त हैं, लेकिन धरने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। गजब है यार, फिर ये लोग किस किस नाम पे वोट मांग रहे हैं भाई यार, हैं? गजब व्यवस्था है मालपुरा की भाई। अगर इनको भाई मालपुरा के हितों में कार्य नहीं करना तो किस किस लिए वोट चाहिए भाई इनको, हैं? अपना पेट भरने के लिए चाहिए क्या? समझना पड़ेगा सब लोगों को भाई। तो बातें तो भाई बड़ी करते हैं लीडर, ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी भी आपके सामने आ रहे होंगे और बातें बड़ी बड़ी कर रहे होंगे। तो इनको थोड़ा समझाओ भाई, क्या मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग नेता हो क्या हो तुम लोग, हैं? अभी सेवा की बात कर रहे हो साला, अभी सेवा का मौका है अभी करते ना, हैं? ऐसे नहीं चलेगा, ये जनता ना सब जानती है, और आप लोगों को भी समझना पड़ेगा भाई। दिख रहा होगा ना अभी क्या चल रहा है मालपुरा में, मतलब जिसका जो काम था ना वो काम उसका, वो उसने तो अपना फर्ज ही नहीं समझा। मतलब जिला बनाओ का काम, धरने का काम नेताओं का था तो आम जनता कर रही है, फिर वोट किसकी किस लिए चाहिए भाई इनको बताओ, जनता वोट किस लिए चाहिए? चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा गधों में और घोड़ों में अंतर, समझ रहे हो? नहीं तो ये लोग बेच खाएंगे क्षेत्र को, बेच खाएंगे, सही बता रहा हूँ। यहाँ की स्थिति मैंने मतलब पहले सोची नहीं थी कभी कि ऐसी होगी, लेकिन मालपुरा में मैं 1 साल से हूँ तब मुझे पता लगा कि हाँ यार यहाँ की तो बहुत दयनीय स्थिति है भाई। यार हमारे जो यूथ बाहर जाता है उसको लोग चिढ़ाते हैं यार, मालपुरा से हो, अरे मालपुरा से, वहाँ तो सारा रेल भी ले गए, उपजिला भी था पहले वो भी ले गए, अब तुम्हारा जिला भी ले जाओ, पंचायत भी ले जाओ, तहसील भी ले जाओ, कुछ रखो ही मत हो ना इसको, बेच खाओ साला। कहाँ दिक्कत है, ले जाओ, तुम पागल बनाते रहो जनता को। गाइस शाम हो गई है और अपन आ चुके हैं घर पे, और मम्मी ने यहाँ दीपक जला दिए ताकि पॉजिटिव वाइब्स आए। तो भाई आज अपन मतलब सारे दिन भर से धरने पे ही थे और कहीं गए भी नहीं, क्योंकि कहाँ जाएं, क्योंकि आशा थी कि आज जिला बन जाएगा, क्योंकि आज मिनिस्टर्स की है जो मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग भी हुई, लेकिन आज राहुल गांधी जी उदयपुर आए थे इस वजह से शायद आज नहीं घोषणा हो पाई। लेकिन हमारी आशाएं पूरी है कि यार मालपुरा को जल्दी जल्दी जिला बना दिया जाए, क्योंकि संघर्ष काफ़ी लंबा हो गया, 4.5 महीने से हम बैठे हुए हैं धरने पे। तो अब देखते हैं क्या रहता है आगे, बाकी अभी है जो वापस एक बार तो भी वापस धरने पे चलेंगे इस खाना वाना खा के। बाकी भाई मैं एक्सप्लोर भी करता कुछ चीज़, लेकिन अभी कहीं जाने का मूड नहीं है, अभी धरने को टाइम देना है, तो 1-2 दिन बाद चलेंगे। देखते हैं गहलोत सरकार का क्या मूड रहता है, तो उसी हिसाब से बात, उसी हिसाब से ही अपन अपना प्लान बनाएंगे। अगर जल्दी जिला घोषित कर देती है तो फिर अपन यहाँ से फ्री हो जाएंगे मालपुरा से, और फिर कहीं भी जा सकते हैं। तो चलो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।